अच्छी एंटीक सी गाड़ी वाड़ी और गाना वाना चला दिया, तो मुझे मैंने डांस कर दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने पहना हुआ है काफ़ी कुछ, फिर इसके लिहाज में मैंने थोड़ा सा। का हो पटना कैसन बा ठीक बा। जो लोग बाहर थे वो सब अंदर आ गए, वो जो प्यार है और वो जो भाईचारा वो मुझे ग्वालियर के बाद बहुत टाइम बाद कहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ हर्षवर्धन राणे हैं, आप सब जान रहे हैं, सनम तेरी कसम जरूर देखे होंगे आप, दीवाने हैं सब लोग आपके। पटना में स्वागत है आपका, कैसा लगा लोगों से मिलकर? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मुझे ग्वालियर के बाद ऐसी फीलिंग बहुत टाइम बाद आई है। मैं खुद ग्वालियर में बड़ा हुआ हूँ, एमपी में भिंड मुरैना जिले में जी। तो कल मैं जिम गया था जी, और वहाँ रात में, और वहाँ जो लोग बाहर थे वो सब अंदर आ गए, वो जो प्यार है और वो जो भाईचारा है वो मुझे ग्वालियर के बाद बहुत टाइम बाद कहीं मिला है। जंगलों में घूमते हैं अपने जीप से, कैंपिंग करते हैं एंड अपना गैस स्टोव लेके घूमते रहते हैं हमेशा, उसी पे मैगी भी बनाते हैं, उसी पे टी भी बनाते हैं, सब चीज उसी पे बनाते हैं। एक सिंगल गैस स्टोव जो आपका फेवरेट? हाँ, तो मैं मैगी तो खैर नहीं खा पाता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे डाइट पे, लेकिन गैस स्टोव में आप सही कह रहे हो, मैं लेके घूमता हूँ। मुझे लगता है अपना खाना, अपना बेड और अपना वॉशरूम लेके चलो और किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता उसमें। पर्यटन में तहलका मच गया, सनम तेरी के समय में तहलका मच गया, सब चीज में तहलका मचा है। अब नेक्स्ट कब तहलका मचने वाला है? मैंने ना भाई चार फिल्में खत्म करी, एक है बिजॉय नाम्बियार की दंगे, एक है मिरांडा ब्रदर्स संजय गुप्ता की, एक है कुन फाया कुन और एक है अभिनय देओ जी के साथ खत्म करी। रिलीज होगी, प्लीज देख लेना, देख लेना सब लोग, दीवाने आपके। पटना बिहार वासियों को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि एमपी के हैं आप, बिहार सटा सटा, तो कुछ तो बोलेंगे, अंदाज अलग। का हो पटना कैसन बा ठीक बा। बॉडी मेंटेन जो आप रखते हैं वो कैसे रखते हैं? मुझे लगता है बॉडी बनाने से ज्यादा मेंटेनेंस पे हमें फोकस करना चाहिए। लोग बना भी लेते हैं लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि डाइट किसी भी फेस्टिवल में फंक्शन में उसको छोड़ो मत, और लोग कितना भी आपको फोर्स करें दूर रहो जितना हो सके। घूमते हुए आए हैं पटना के सड़क एकदम यू, मुझे लगा पोज मार दोगे आप। वो तो कपड़ों में, और उन्होंने इतनी अच्छी एंटीक सी गाड़ी वाड़ी और गाना वाना चला दिया, तो मुझे मैंने डांस कर दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने पहना हुआ है काफी कुछ, फिर इसके लिहाज में मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। इतनी अच्छी एंटीक सी गाड़ी वाड़ी और गाना वाना चला दिया, तो मुझे मैंने डांस कर दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने पहना हुआ है काफी कुछ, फिर इसके लिहाज में मैंने थोड़ा सा। का हो पटना कैसन बा ठीक बा। जो लोग बाहर थे वो सब अंदर आ गए, वो जो प्यार है और वो जो भाईचारा वो मुझे ग्वालियर के बाद बहुत टाइम बाद कहीं मिला है। देखा आपने, हर्षवर्धन राणे हमारे साथ बात किए और पटना में किस तरह से झूम रहे हैं ना, वो पटना में पहुंचे और बिंदास डांस कर रहे थे। डांस का नजारा भी आप देख लीजिए एक बार कि किस तरह से पटना में झूम रहे थे हर्षवर्धन राणे। उनसे जब हम पूछे कि आपका जीप कहाँ है, आपका गैस स्टोव जो रहता है वो भी उसके बारे में बताएं, और सबसे अलग अंदाज में ना वो बोला उन्होंने कि का हाल बा पटना। जी हाँ, जो विजुअल्स आपको दिख रहा होगा एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह से हर्षवर्धन राणे झूम रहे पटना की सड़कों पर। अच्छी एंटीक सी गाड़ी वाड़ी और गाना वाना चला दिया, तो मुझे मैंने डांस कर दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने पहना हुआ है काफी कुछ, फिर इसके लिहाज में मैंने थोड़ा सा। का हो पटना कैसन बा ठीक बा। जो लोग बाहर थे वो सब अंदर आ गए, वो जो प्यार है और वो जो भाईचारा वो मुझे ग्वालियर के बाद बहुत टाइम बाद कहीं मिला है। तो आपने विजुअल्स देख लिया, उसके बाद किस तरह से उन्होंने कहा का हाल बा पटना वो भी हमने आपको सुना दिया। तो भैया सनम तेरी कसम वाले पहुंचे थे पटना में, सारे लोग दीवाने हो गए थे, गले भी लगा लिया सबको, मुझे भी लगा लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।